हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट कैसे होता है बताएंगे। इसका क्या फॉर्मूला लगता है हम ये बताएंगे। देखिए, अगर हम किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी एज अगर कितनी भी इंक्रीज़ होती है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि हमारी क्यूब है उसकी एज 50% इंक्रीज़ हो रही है, तो हम ये निकालेंगे कि उसके टोटल सर्फेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा। अगर हम वैसे निकालेंगे तो हमारे बहुत लंबा क्वेश्चंस बैठेगा और हमें समझ में भी नहीं आएगा। हम इसका एक फॉर्मूला हमने निकाला है, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसकी डायरेक्ट इसमें रख करके इसकी वैल्यू हम सीधा इसकी कोई भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्यूब की जगह स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी में भी इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 2x, एक्स की हम यहाँ पे 50 वैल्यू रखेंगे। 50 स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 2 इंटू 50, 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 अपॉन 100, 5 टू जै 10 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 प्लस 100 इज इक्वल टू 125%। तो हमारा सरफेस एरिया 125% इंक्रीमेंट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।